जय हिंद बच्चों, देखिए क्लास सेकंड में हम बुक पढ़ते हैं, चांद की कहानी। क्या पढ़ते हैं? चांद की कहानी। देखिए क्या है, रात होते ही आकाश में तारे दिखाई देने लगते हैं। इन्हीं तारों के बीच चमकता हुआ चांद तो आपने देखा ही है। बेटा आप चांद तो देखते ही हैं, हर दिन आकार बदलते रहते चांद को देखकर आपके मन में अनेक सवाल उठते होंगे। आइए चांद के बारे में जानें। कोई कहता है चांद पर एक ही हिरन भागता दिखाई दे रहा है, तो कोई कहता है चांद पर एक बुढ़िया चरखा चला रही है। लेकिन ये सब बातें गलत हैं, बेटा। चांद पर ना तो हवा है और ना ही पानी, इसलिए वहाँ कोई नहीं रह सकता। चांद की सतह पर बड़े बड़े गड्ढे और ऊंची ऊंची चट्टाने हैं, जो धरती से देखने पर भागता हुआ हिरन या किसी बुढ़िया का चेहरा लगते हैं। चांद धरती से छोटा है, यह हमारी धरती से लाखों मील दूर है। कितने दूर है? लाखों मील दूर, इसलिए छोटा दिखाई देता है। चांद हमारी धरती के चारों ओर चक्कर लगाता है। देखिए बेटा, यहाँ तक आपको हम पढ़ाएं, अब यहाँ से यहाँ तक आप खुद पढ़ोगे, अपने से आप पढ़ेंगे, आपको पढ़ने आता है। इसको पढ़ लीजिए, फिर इसका शब्द अर्थ क्वेश्चन से लिखवाएंगे, बस आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा बेटा। अब आज की पढ़ाई इतनी है। जय हिंद बच्चों।